हेलो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम 13.2 ऑफ क्लास 10 चैप्टर 13 की हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं बस इस वीडियो से को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही कहूंगा कि आपको इस चैप्टर में यूज होने वाले फॉर्मुल सारे अच्छे से आने चाहिए जिसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है उसको जरूर देख लें उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि फॉर्मुलज को कैसे डिवेल्प किया जाता है अगर आप चांस भूल जाओ तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन आपको यहां पे एक सॉलिड नजर आ रहा है उसने कहा है कि सॉलिड जो है वो कौन की शेप में है जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है ये एक हेमिस्फीयर है विध बोथ देयर रेडियाई बींग इक्वल टू वन दोनों का रेडियस ये रेडियाई जो वर्ड है वो प्लूरल वर्ड है रेडियाई जो वर्ड है ये प्लूरल है रेडियस का तो दोनों का रेडियस वन सेंटीमीटर है एंड हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू इट्स रेडियस और जो कोन की हाइट है वो रेडियस के इक्वल है रेडियस वन सेंटीमीटर है तो कोन की हाइट भी वन सेंटीमीटर होगी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई पाई टर्म में हमने वॉल्यूम को पता करना है डियर स्टूडेंट्स ये एक बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है इन कंपैरिजन टू 13.1 क्यों इजी हो जाता है क्योंकि 13.1 में हमने सर्विस एरिया निकालना था जिसमें कंफ्यूजन रहती थी कि लेडर सर्विस एरिया लगाएं या टोटल पर वॉल्यूम के लिए ऐसी बाइफ्रिकेशन है ही नहीं वॉल्यूम एक ही है तो चाहे वो ओपन कोन हो चाहे क्लोज कोन हो तो वॉल्यूम सेम रहता है उसमें कोई फर्क नहीं है तो वॉल्यूम को फॉर्मूला को लगाते हुए हम आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं पूछा क्या उसने वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इन दोनों के वॉल्यूम को कर कर हम अपना सॉलिड का वॉल्यूम पता कर लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला हेमिस्फीयर स्फीयर का वॉल्यूम होता है पाई तो हेमिस्फीयर का हो गया टू बाई थ्री पाई आर क्यूब अब हमें गिवन क्या है कि दोनों का ही रेडियस वन है तो आर को वन लेंगे और हाइट भी वन है हाइट भी वन आ जाएगी प्लस टू बाई थ्री पाई रेडियस वन है तो वन आ जाएगा वन क्यूब डॉट का मतलब मल्टीप्लाई आपको अच्छे से पता है ये इट इज इक्वल टू वन बाय थ्री वन स्केर वन हो जाएगा वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन तो वन बाय थ्री पाई ही रह जाएगा प्लस टू बाय थ्री वन क्यूब वन वन को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे पाई आ गया तो वन बाई थ्री पाई प्लस टू थ्री पाई अगर हम एलसीएम ले लें इसका थ्री एलसीएम ले लें तो ये पाई प्लस टू पाई बन जाएगा इन टर्म्स इज थ्री पाई अपॉन थ्री थ्री के साथ थ्री कैंसिल हो गया तो पाई हमारा आंसर आ गया क्योंकि ये वॉल्यूम है और वन सेंटीमीटर सेंटीमीटर में था तो इसका आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा यूनिट्स बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं अगर यूनिट्स वॉल्यूम अगर वॉल्यूम है तो यूनिट्स क्यूब में होंगे अगर सरफेस एरिया है तो वॉल्यूम सॉरी यूनिट्स जो है वो स्केयर में होते हैं लाइक सिलेंडर एक मॉडल बनाया मिडल पार्ट जो है वो एक सिलेंड्रिकल शेप है और जो टॉप और बॉटम है दोनों एंडस पे उसने एक कोनीकल शेप बनाई है तो मॉडल की पूरी हाइट जो है हमें वो ट्वेल्व सेंटीमीटर दी हुई है और डायमीटर थ्री सेंटीमीटर दिया हुआ है डायमी द मॉडल इज थ्री सेंटीमीटर एंड हाइट ट्वेल्व सेंटीमीटर यहीं पर बच्चों गलती होती है ज्यादातर हाइट जो है वो हमें पूरे मॉडल की दी हुई है इस बात का ध्यान रखना है ये ना सिलेंडर की है ना कोन की है फाइंड इट्स वॉल्यूम इसका वॉल्यूम पता करना है हमें एक लाइन मिस हो गई थी हाइट ऑफ कोन इज टू सेंटीमीटर वो मैंने अलग से लिख दिया हाइट ऑफ कोन इज टू सेंटीमीटर मतलब कि कोन की हाइट जो है वो टू सेंटीमीटर है और कोन का जो रेडियस होगा वो कॉमन होगा सिलेंडर के साथ क्योंकि ये एंड टू एंड अटैच है जितना इसका डायमीटर है उतना ही कोन का डायमीटर है तो डायमीटर कितना है थ्री सेंटीमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तो सबसे पहले लिख लेते हैं हाइट ऑफ हाइट ऑफ कोन एच वन लेते हैं इसको दिया हुआ है टू सेंटीमीटर उसके बाद अगर ये दो सेंटीमीटर है मीनस इतना पार्ट दो सेंटीमीटर है और इतना पार्ट भी दो सेंटीमीटर है तो मिडल वाला पार्ट ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा ट्वेल्व टोटल तो था ट्वेल्व में से टू यहां से चला गया टू ऊपर से चला गया ट्वेल्व माइनस टू टेन टेन माइनस टू एट तो ये एट सेंटीमीटर हमारे पास सिलेंडर की हाइट आ गई तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी हाइट ऑफ सिलेंडर इसको एच टू मान लेते हैं इट इज एट एट सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलेंडर आगे डायमीटर डायमीटर इज थ्री सेंटीमीटर ये दोनों का ही कॉमन है सो रेडियस ऑफ कोन जो कोन का रेडियस है वो हो जाएगा थ्री बाई टू विच इज वन पॉइंट फाइव एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर वो भी सेम वन पॉइंट फाइव हो जाएगा कौन का भी सेम हो गया और सिलेंडर का भी तो वॉल्यूम निकालना है अब हमें सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन मल्टीप्लाइड बाय टू क्योंकि दो हैं प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो टू आगे लिख के मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है वन बाय थ्री पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क अब हमने इसको हाइट को एच वन लिया था कोन की कोन की हाइट को हमने एच वन तो यहां पर एच वन लिख लेते हैं और सिलेंडर की हाइट को एच टू लिया था यहां पे एच टू क्योंकि एच वन एच टू अलग अलग है रेडियस दोनों का सेम है तो वो आर चल जाएगा अब ये हो गया टू बाई थ्री पाई आर हमारे पास कितना है वन पॉइंट फाइव एच वन Height of cone है, That is 2. Plus pi. R2 है 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 है, है है, कितना कितना हमारे पास, ये है? है क्या है? Height of cylinder. Cylinder की height है 8 cm. बस अब हमने इसको सॉल्व करना है नथिंग एल्स सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम पाई कॉमन ले लेते हैं और वन पॉइंट फाइव भी कॉमन आ रहा है देखो अगर आप पाई कॉमन आ रहा है ये इसको मैं कैंसिल कर रहा हूं कैंसिल आपने नहीं करना है ये सिर्फ समझाने के लिए कैंसिल कर रहा हूं मैं वन पॉइंट फाइव का स्केयर ये भी कॉमन निकल गया तो कॉमन निकलने के बाद बचा क्या वैसे तो ये भी कॉमन आ रहा है बट अभी हम लिख लेते हैं इसको टू टू द्री फोर बाय थ्री।, थ्री यहां से बचा प्लस एट यहां से बचा तो ये कॉमन आ गया तो इसको सॉल्व करते हैं पाई को एज इट इज रखते हैं फिलहाल वन पॉइंट फाइव मीन फिफ्टीन बाई टेन इंटू फिफ्टीन बाई टेन उसके बाद क्या आ गया हमारे पास ये एल्शियम ले लें अगर हम एल्शियम थ्री आ जाएगा फोर प्लस ये वन है तो थ्री ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा एट थ्री जवेंटी फोर तो ये आ गया हमारे पास यहां पर पाई ये काट दो फाइव थ्री जिफ्टीन फाइव टू जेन फाइव थ्री जिफ्टीन फाइव टू जन तो ये थ्री थ्री जी नाइन टू टू ज फोर तो नाइन बाई फोर पाई यहां से क्या आया ट्वेंटी एट बाई थ्री एक सेपरेट पेज पे इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूं नाइन बाई फोर पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी एट अपॉन थ्री ये कटिंग ही करनी है हमने सेवन फोर ज़ा ट्वेंटी फोर एट थ्री थ्री नाइन और फोर भी कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा थ्री इंटू ट्वेंटी टू तो थ्री इंटू ट्वेंटी टू क्या हो गया हमारे पास सिक्सटी सिक्स तो ये सॉल्व होके हमारे पास टोटल सिक्सटी सिक्स आ गया क्योंकि ये सेंटीमीटर था तो हम इसका आंसर सेंटीमीटर क्यूब में छोड़ देंगे थर्ड क्वेश्चन गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट थर्टी परसेंट ऑफ दिट वॉल्यूम फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन फोर्टी फाइव गुलाब जामुन ई शेप लाइक ए सिलेंडर विद टू हेमीस्फेरिकल लेंट विदेंथ ऑफ फाइव सेंटीमीटर एंड डायमी एट सेंटीमीटर इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें ये आप डायग्राम में देख रहे हो कि फोर्टी फाइव गुलाब जामुन दिए गए हैं तो जो गुलाब जामुन है उसकी जो शेप है वही बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेंटर से सिलेंड्रिकल है और एंड जो है वो स्फेरिकल है तो हमारे पास क्या गिवन है कि ये जो सिलेंड्रिकल पोशन है और इसके एंड पे लगे हुए हैं हमारे पास हैमिस्फेयर तो इसकी जो टोटल लेंथ है लेंथ ऑफ फाइव सेंटीमीटर एंड डायमीटर टू पॉइंट एट तो डायमीटर है टू पॉइंट एट और लेंथ है टोटल फाइव सेंटीमीटर टोटल लेंथ है ये यहां तक तो अगर मुझे सिर्फ सिलेंडर की लेंथ निकालनी हो तो सिलेंडर की लेंथ कैसे निकलेगी डायमीटर 2.8 है तो रेडियस कितना हो गया 1.4 ये सिलेंडर का भी रेडियस हुआ और ये हेमिस्फीयर का भी रेडियस हुआ तो अगर ये 1.4 है तो रेडियस तो ऐसे भी हेमिस्फीयर है टोटल ओवरऑल रेडियस सेम होता है तो ये भी 1.4 होगा और इस साइड से भी 1.4 होगा तो टोटल तो तो लेंथ में से ये टोटल लेंथ में से हम 1.4 पॉइंट यहां से छोड़ देंगे 1.4 पॉइंट यहां से छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचा फाइव में से फाइव में से 1.4 एक तरफ माइनस होगी 1.4 और माइनस होगी मतलब 5 में से, से, से 2.8 माइनस होने के बाद हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर लेंथ बच गई मिडल पोर्शन की 2.2 ये हुई हमारे पास लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पोशन तो अब हमें बस वॉल्यूम निकालना है हमारे पास अब सब कुछ गिवन है तो हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन तो सिलेंड्रिकल पोर्शन का रेडियस कितना हुआ रेडियस तो सेम ही है वन पॉइंट फोर मतलब इसको एक बार आप चाहे टू पॉइंट एट अपॉन टू करके इक्वल्स टू वन पॉइंट 4 लिख लें उसके बाद रेडियस ऑफ स्फेरिकल पोर्शन बेटर इसको आप हेमी लिख लो हेमी पोर्शन वो कितना हो जाएगा सेम 1.4 उसके बाद लिखेंगे आप हाइट हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन सिलेंड्रिकल पोर्शन की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी वो प्रॉपर लिखवा फाइव माइनस वन पॉइंट फोर माइनस वन पॉइंट फोर इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास टू पॉइंट टू तो ये हाइट आ गई हमारे पास सिलेंड्रिकल पोर्शन की अब हम निकलेंगे वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन क्या होगा टू इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फियर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सो इट इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फियर हो गया टू बाय थ्री आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो गया आर स्क्वेयर एच टू इंटू टू हो गया हमारे पास यहां पर फोर बाय थ्री पाए आर है हमारे पास वन पॉइंट फोर तो वन पॉइंट फोर का क्यूब आ गया प्लस पाई यहां पर भी रेडियस फोर तो का स्क्यर और हाइट हाइट कितनी आई थी हमारे पास हाइट ये हमने कहां पे लिखी थी हाइट कितना आया टू पॉइंट टू तो टू पॉइंट टू आ गई हाइट बस अब इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के लिए बच्चों जो ज्यादा से ज्यादा आप कॉमन ले सकते हो उसको कॉमन लेने की कोशिश किया करो तो पाई कॉमन आ रहा है हमें दिख रहा है पाई कॉमन आ रहा है और 1.4 का क्यूब है 1.4 का क्यूब है तो 1.4 का स्केयर आप कॉमन ले लो तो बचा क्या ब्रैकेटेट शुरू करते हैं फोर बाई थ्री पाई कॉमन आ चुके अब मैं काट नहीं रहा हूं अब आपको समझ आने लग गया होगा कि कैसे कॉमन लेना है अगर फिर भी डाउट होता है तो आप पेंसिल से काट लिया करो बाद में इरेज कर दो तो पाई कॉमन आ गया 1.4 क्यूब में से 1.4 पॉइंट कॉमन आ गया तो 1.4 पॉइंट एक बच गया हमारे पास पावर वन आ गई प्लस पाई कॉमन आ चुका है 1.4 पॉइंट स्केयर कॉमन आ चुका है 2.2 ये 2.2 बच गया उसके बाद पाई को लिख लें हम 22 टू बाय सेवन फोर्टीन बाय टेन लिखा जा सकता है 1.4 को स्केयर है तो दो बार लिख लें ये भी फोर बाय थ्री इन टू फोर्टीन बाई टेन प्लस ट्वेंटी टू बाई टेन तो ये क्या हो गया हमारे पास ट्वेंटी टू ये इसकी कटिंग कर देते हैं पहले सेवन टू ज फोर्टीन और ये भी चलो कट कर देते हैं टू फाइव तो टेन फोटीन बाई फिफ्टी फाइव इंटू टेन ये बच गया हमारे पास यहाँ पर जो कटिंग होती है कर दो ये टू आ गया ये फाइव आ गया फोर्टीन इंटू टू ट्वेंटी एट अपॉन फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी टू बाई टेन इसकी भी कटिंग हो सकती थी पर चलो अब हम एल्सियम लेते हैं तो अगर हम इसका एल्सियम लेते हैं इसकी कटिंग नहीं कर रहे अभी मल्टीप्लाई नहीं करते इसको एज इट इज रखते हैं क्योंकि कटिंग होने के चांसेस रहते हैं तो इसलिए हम अवॉइड कर देते हैं ब्रैकेट में जो एल्सियम है वो थर्टी आ जाएगा थर्टी एल्सियम लेने के बाद फिफ्टीन को थर्टी से डिवाइड करेंगे टू ट्वेंटी एट से मल्टीप्लाई होगा फिफ्टी सिक्स प्लस थ्री ट्वेंटी टू इंटू फोर्टीन अपॉन फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाई ये कितना तो ये बच गया हमारे पास अब अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हो 22 टू इंटू वन ट्वेंटी टू तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है ऑलरेडी थ्री सेवन फाइव सेवन सिक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाई फाइव थ्री 15 फिफ्टीन हंड्रेड तो अगर आप इसके बाद इसको डिवाइड कर देते हो फिफ्टीन हंड्रेड से तो हमारे पास ये आ जाता है टू फाइव पॉइंट जीरो आ गया वॉल्यूम वॉल्यूम किसका एक गुलाब जामुन का हमने ऊपर क्या लिखा था वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन तो इतना आ चुका है हमारे पास वॉल्यूम अब क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखें जरा तो क्वेश्चन में क्या कहा था उसने कि गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू थर्टी परसेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम तो इस वॉल्यूम का थर्टी परसेंट जो है वो सिरप है तो सिरप कंटेंट हम लिखेंगे उसके बाद सिरप कंटेंट तो वो कितना है थर्टी परसेंट ऑफ वॉल्यूम विच इज इक्वल टू थर्टी परसेंट थर्टी बाई हंड्रेड इन टू टू फाइव जीरो फाइव बाई हंड्रेड ले लें आप राइट इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 5, 3, 15, एक जीरो दो ज़्यादा से ज्यादा नीचे पॉइंट फाइव वन फाइव तो ये आ गया हमारे पास शुगर शुगर सिरप कंटेन इन वन गुलाब जामुन तो हमारे पास कितने गुलाब जामुन दिए हुए थे स्टार्टिंग में फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव गुलाब जामुन दिए हुए थे उसने क्या कहा था टी फाइव गुलाब जामुन फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन फोर्टी फाइव गुलाब जामुन तो हम एक गुलाब जामुन में कितना सिरप है वो निकाल चुके हैं. देयरफॉर सिरप कंटेंट सिरप कंटेंट इन फोर्टी फाइव गुलाब जामुन तो क्या हो जाएगा फोर्टी फाइव मल्टीप्लाइड बाई सेवन पॉइंट वन फाइव वन फाइव तो इसको जब आप फोर्टी फाइव से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारा थ्री फोर्थ क्वेश्चन अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबाइट ये पेन स्टैंड है। इट इज मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबाइट क्यूबाइट की शेप में है वुड का बना हुआ विथ फोर क्रॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन इसमें चार कॉनिकल डिप्रेशन बने हुए ऐसे जिसमें हम पेन को ऐसे रख सकते हैं तो ये चार कॉनिकल डिप्रेशन हैं द डिमेंशन ऑफ क्यूबाइड आर फिफ्टीन बाई टेन बाई थ्री पॉइंट फाइव जब डिमेंशन बच्चों ऐसे लिखी हो फिफ्टी बाई टेन बाइ थ्री पॉइंट फाइव इसका मतलब होता है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट जनरली ये स्टैंडर्ड क्राइटेरिया लिखने का लेंथ पहले आती है फिर ब्रेथ आ जाती है फिर हाइट आ जाती है द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ये अब कौन की बात कर रही है जो कॉनिकल डिप्रेशन बने हुए हैं इनकी जो हाइट है वो कितनी है डेप्थ सॉरी uh, और रेडियस है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड पूरे स्टैंड में हमने ये बताना है कि कितना वॉल्यूम है वुड का तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो क्यूबाइड है इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे क्यूबाइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू इनटू ब्रेथ हाइट तो इसका वॉल्यूम पता चल जाएगा उसके बाद ये जो डिप्रेशन हैं इनको निकाल दिया काट के बाहर रख दिया हमने ताकि उसमें हम पेन रख सके तो वो है कॉनिकल डिप्रेशन तो उसका हमें रेडियस भी पता है और डेप्थ डेप्थ मीन्स हाइट भी पता है तो हम एक कोन का वॉल्यूम निकाल लेंगे उस एक कोन के वॉल्यूम को चार से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर टोटल में से माइनस कर देंगे तो डिटेल में देखते हैं जरा आप सबसे पहले डिमेंशन ऑफ क्यूबाइट बाइट की डिमेंशन क्या होगी लेंथ कितनी हो जाएगी फिफ्टीन ब्रेथ कितनी हो जाएगी टेन और हाइट कितनी हो जाएगी थ्री पॉइंट फाइव हर क्वेश्चन में जो आपने ये बहुत ध्यान से देखना है कि यूनिट सबके सेम हो जैसे यहां पे सेंटीमीटर है यह भी सेंटीमीटर है यह भी सेंटीमीटर है यूनिट सेम होने चाहिए उसके बाद रेडियस ऑफ कोन कॉमा आर इक्वल्स रेडियस कितना है पॉइंट फाइव डेप्थ हाइट ऑफ कोन हाइट ऑफ कॉन कितनी दी हुई है हमें इसको एच मान लेते हैं हाइट ऑफ कॉन इज वन पॉइंट फोर तो अब हम क्या करेंगे अब बस वॉल्यूम ऑफ वुड वॉल्यूम ऑफ वुड इन स्टैंड कितना होगा ये यह यहां से उठा लिया करो उसने क्या कहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड बस इंटायर वर्ड को मैंने छोड़ दिया वॉल्यूम ऑफ वुड इन स्टैंड ये कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट माइनस फोर इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन राइट तो उसके बाद हम क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हो गया लेंथ इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन कितना हो गया इंटू ब्रेथ ब्रेथ टेन है इंटू हाइट हाइट है थ्री पॉइंट फाइव आप इसको थर्टी फाइव बाई टेन लिख लो माइनस फोर इंटू वन बाई थ्री हो गया फोर बाय थ्री है हमारा ट्वेंटी टू बाई सेवन और आर कितना है आर यहां पर फाइव बाई टेन लिख कर क्योंकि स्केयर है दो बार लिख लेंगे इंटू हाइट हाइट है 1 .4. 1 .4 हो फोर्टीन बाई टेन तो आप बस सिंप्लीफिकेशन है ये टेन के साथ हम टेन काट देते हैं तो ये बच गया फिफ्टीन इंटू थर्टी फाइव माइनस अब यहां से जो कटिंग होती है सेवन टू ज फोर्टीन फाइव टू ज टेन टू के साथ टू कट गया उसके बाद ये भी कट जाएगा फाइव टू जै टेन टू आप काट दो इसके साथ राइट right? अब ये टेन भी कट रहा है बट अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पॉइंट लगा देंगे सो टू इन ट्वेंटी टू बन गया फोर्टी फोर यहां पर और कुछ नहीं बचा और नीचे बचा थर्टी तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे थर्टी फाइव को अगर आप फिफ्टीन से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाता है फाइव ट्वेंटी फाइव माइनस डिवाइड करने पे आ जाएगा वन पॉइंट फोर सिक्स और दोनों को माइनस कर दोगे तो फाइव ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव फोर ये हमारा आंसर आ गया बस आंसर में हम यूनिट जरूर लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है फिफ्थ क्वेश्चन अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इनवर्टेड कोन एक बेसल है जो एक इन्वर्टेड कोन की शेप में है तो इन्वर्टेड कोन हो गया जैसे ये हमारा सिंपल सा मैंने इसकी डायग्राम बनाई नहीं पहले क्योंकि इसमें डायग्राम में कुछ खास है नहीं इट्स हाइट इज एट सेंटीमीटर हाइट इसकी एट सेंटीमीटर है मीन यहां से लेके जब हाइट बोलेगा कोन की तो हाइट ही माननी है स्लांट हाइट ये होती है तिरछी ऊंचाई एंड रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन इज फाइव सेंटीमीटर रेडियस हमारे पास टॉप का फाइव सेंटीमीटर दिया है उसने इट इज फिल्ड विद वाटर इसमें पानी भरा हुआ है पूरा पानी भरा हुआ है इसमें इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम ऊपर तक देन लेट शॉर्ट्स लेट मतलब कि कुछ छोटे छोटे ऐसे लोहे के आप या मतलब कि लेट के शॉर्ट्स जो हैं ईच ऑफ विच इज ऑफ स्पीय ऑफ रेडियस पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ये पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एक हम बड़ा बना लेते हैं ये पॉइंट फाइव सेंटीमीटर के रेडियस वाले लेड जो है इसमें गिरे गए ड्रॉप इन टू द वेसल वन फोर्थ ऑफ वाटर फ्लोज आउट इसका वन फोर्थ वाटर बाहर आ गया फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉर्ट ड्रॉप इन द वेसल हमने क्या बताना है कि कितने ये लेड कितने लेड शॉर्ट जो है इसमें डाले गए तो क्या करेंगे हम सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे वॉल्यूम का वन फोर्थ पार्ट जो है मतलब वो वाटर बाहर आ गया मतलब कि इनका जो वॉल्यूम है टोटल लेट का वो वन फोर्थ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द इनवर्टेड कोन हो गया उसके बाद हम एक लेट का निकाल लेंगे और डिवाइड करके हमारे पास पता चल जाएगा हमें कि नंबर ऑफ लेट्स कितने हैं तो स्टार्ट करते हैं देखिए रेडियस ऑफ कोन रेडियस ऑफ कोन कितना दिया है हमें हाइट इज एट एंड इज ओपन इज फाइव सेंटीमीटर रेडियस हमें फाइव दिया हुआ है फाइव सेंटीमीटर हाइट ऑफ कौन हाइट ऑफ कौन एच हमें दी हुई है एट सेंटीमीटर तो वॉल्यूम ऑफ कौन कितना हो जाएगा इट इज वन बाय थ्री पाई आर स्केर एच तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर दे वन बाय थ्री पाई को अभी हम पाई ही रख रहे हैं आर स्केर आर कितना है फाइव फाइव स्केर एच इज एट तो ये हो गया वन बाय थ्री पाई आर स्केर इज ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड बाई एट ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाई एट हो गया टू हंड्रेड सो टू हंड्रेड अपॉन थ्री पाई सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा वॉल्यूम ऑफ कौन आ गया उसके बाद हम वॉल्यूम ऑफ स्फियर निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल लेट कितना हो जाएगा यह फोर बाय थ्री आर क्यूब राइट तो इट इज इक्वल टू फोर बाई थ्री पाए आर कितना दिया हुआ था हमें 0. 5. 0. 5 so, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लू तो फोर बाई थ्री पाइव पॉइंट फाइव मतलब फाइव बाई टेन फाइव बाई टेन फाइव और टेन कैट के टू आ जाएगा तो यह हो गया हमारे पास फोर बाई थ्री पाए वन बाई टू तीन बार मतलब वन बाई एट तो ये कट गया टू मीन्स पाई बाई सिक्स सेंटीमीटर क्यूब क्या वॉल्यूम ऑफ वन कहा क्या था उसने कि वन फोर्थ ऑफ द वाटर कम्स आउट ऑफ द मतलब कि वॉल्यूम ऑफ ऑल द ऑल वो कितना है वन फोर्थ ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन वॉल्यूम ऑफ कौन कितना आया था हमारे पास टू हंड्रेड बाई थ्री पाए विच इज इक्वल टू वन बाई फोर इन टू टू हंड्रेड अपॉन थ्री पाई तो ये कट जाएगा फिफ्टी फाइव जो ट्वेंटी फिफ्टी मतलब कि कितना आ गया हमारे पास फिफ्टी अपॉन थ्री पाई, तो ये किस चीज का वॉल्यूम आ गया ये हमारे पास टोटल लेट जितने भी हमने लेट पानी में डाले इन्वर्टेड कोन में डाले उन सबका वॉल्यूम आ गया फिफ्टी अपॉन थ्री पाई तो नंबर ऑफ कोन नंबर ऑफ लेट कितने हो जाएंगे लेट शॉट्स वो हो जाएंगे वॉल्यूम कितना है फिफ्टी अपॉन थ्री पाई अपॉन इट्स ऑन वॉल्यूम वन लेट का वॉल्यूम कितना आया था पाई बाय सिक्स तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फिफ्टी अपॉन थ्री पाई इंटू सिक्स अपॉन पाई तो देखो पाई के साथ पाई कट गया जनरली हम तभी इसको वैल्यू नहीं पुट करते क्योंकि ये लास्ट में कट जाता है थ्री टू द सिक्स तो ये भी कैंसिल हो गया फिफ्टी इंटू टू आ गया हंड्रेड तो हंड्रेड शॉट्स हमारे पास अवेलेबल थे पानी में डालने के लिए तो जिनका वॉल्यूम वन फोर्थ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कौन था सिक्स क्वेश्चन

उसके ऊपर एक छोटा सिलेंडर रखा हुआ है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और रेडियस 8 सेंटीमीटर है ध्यान देने वाली बात यह इसका डायमीटर है और इसका रेडियस है फाइंड द मास ऑफ द पोल इस पूरे पोल का मास हमें बताना है गिवन दैट वन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली एट ग्राम मास एक सेंटीमीटर क्यूब का मास है एट ग्राम तो हम क्या करेंगे बड़ा ही आसान क्वेश्चन है टोटल मास निकाल लेंगे टोटल वॉल्यूम निकालेंगे उसको एट ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास आ जाएगा और टोटल वॉल्यूम कैसे सिंपली वॉल्यूम इस सिलेंडर का और इस सिलेंडर का वॉल्यूम हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा क्योंकि हमें रेडियस और हाइट दोनों की बताए तो वॉल्यूम निकालना बड़ा ही ईजी है सो so स्टार्ट करते हैं रेडियस आर वन रेडियस आर वन ऑफ बिग सिलेंडर ऑफ बिग सिलेंडर आर वन रेडियस कितना हो गया इसका ट्वेंटी फोर बाई टू विच इज ट्वेल्व उसके बाद हाइट एच वन ऑफ बिग सिलेंडर कितनी हाइट दी हुई हमें टू ट्वेंटी सेंटीमीटर उसके बाद रेडियस R2 ऑफ स्मॉल सिलेंडर इसका रेडियस एट दिया हुआ है और हाइट कितनी हो जाएगी हाइट एच टू ऑफ स्मॉल सिलेंडर हाइट कितनी है सिक्सटी सेंटीमीटर सेंटीमीटर आप डाल दो हर जगह पर तो उसके बाद उसने क्या पूछा है हमसे मास पूछा है तो वॉल्यूम निकालते हैं हम वॉल्यूम ऑफ पोल वॉल्यूम ऑफ पोल कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर सो बिग सिलेंडर का वॉल्यूम और स्मॉल सिलेंडर का वॉल्यूम फॉर्मूला सब दोनों का ही सेम है पाई आर स्केयर एच प्लस पाई आर स्केयर एच बस बिग सिलेंडर के लिए आर वन एच वन है और यहां पे आर टू एच टू कर देंगे तो पाई कॉमन ले सकते हैं हम पाई कॉमन ले लेंगे पाई कॉमन लेने के बाद आर वन की वैल्यू हमारे पास है ट्वेल्व तो ये 12 स्केयर और एच वन कितना है टू ट्वेंटी प्लस पाई आर टू स्केयर आर टू कितना है हमारे पास एट एच टू कितना है सिक्सटी तो पाई कॉमन ले लो उसके बाद 12 स्केयर हो गया वन फोर्टी फोर इंटू टू ट्वेंटी प्लस एट स्केर हो गया सिक्सटी फोर इंटू अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 144 को 220 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 31680 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3840 ऐड करके ये टर्म बन जाएगी पाई की वैल्यू 22 टू बाई सेवन पुट कर दी तो इसको मल्टीप्लाई और उसके बाद सेवन से डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा वन 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 सिक्स थ्री फोर टू एट सेंटीमीटर क्यूब तो ये आ गया हमारे पास पोल का वॉल्यूम पूरे पोल का अब उसने क्या कहा था हमने मास पता करना है इस पोल का मास और एक सेंटीमीटर क्यूब का मास दिया हुआ था एट ग्राम्स ये आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है वन सेंटीमीटर क्यूब मास इज एट ग्राम तो हमने टोटल मास निकालना था तो क्या करेंगे हम मास ऑफ वन सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू एट ग्राम्स ये एट ग्राम की बन था अब उसके बाद मास ऑफ ये जितना भी हमारे पास वॉल्यूम आया वन 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 सिक्स थ्री फोर पॉइंट टू एट इट इज इक्वल्स टू वन 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 सिक्स थ्री फोर पॉइंट टू एट मल्टीप्लाईड बाय एट तो इसको ऐसे हमने कर देना है उसके बाद ये ग्राम्स में है तो अगर इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें डिवाइडेड बाय थाउजेंड का लेना चाहिए तो ये किलोग्राम आ जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई करके बचो सारा सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा एट नाइन थ्री पॉइंट जीरो सेवन फोर किलोग्राम तो जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 893 किलोग्राम लिख सकते हैं तो मास ऑफ वन 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 सिक्स थ्री फोर पॉइंट टू एट यह हमारा वॉल्यूम आया था इसका मास कितना हो जाएगा टोटल मल्टीप्लाइड बाय एट ग्राम्स डिवाइडेड बाय थाउजेंड इसलिए कर दिया क्योंकि ये ग्राम में था अब हम इसको किलोग्राम में आंसर दे रहे हैं आप ग्राम में भी आंसर दे सकते हो बट यूनिट बहुत ज्यादा है तो थाउजेंड से डिवाइड करके आप बेटर है कि किलोग्राम में कन्वर्ट कर दे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास थाउजेंड के बाद आपने पॉइंट लगा देना है तीन डिजिट्स के बाद सो एट नाइन थ्री पॉइंट जीरो सेवन फोर इस ये इग्नोरेबल फिगर है इसको छोड़ सकते हो आप तो एट नाइन्टी थ्री किलोग्राम अप्रॉक्सीमेटली आंसर हमारा आ गया सेवंथ क्वेश्चन है बच्चों सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ आयरन राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर पहले यहां तक देखते हैं वो कह रहे सॉलिड है ये जो इंटरनल पार्ट आपको दिखाई दे रहा है सिलेंडर के बीच में कॉनिकल और हेमिसफेरिकल उसकी बात कर रहा है सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन कोन हाइट वन ये देखो कोन की हाइट मैंने यहां पर मैंशन किया है वन एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर इस कोन का रेडियस 60 सेंटीमीटर है स्टैंडिंग ऑन अ हेमिसफेयर हैमिस्फेयर के ऊपर ये स्टैंड कर रहा है ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर हेमिसफेयर का भी रेडियस 60 सेंटीमीटर हो गया इस प्लेस्ड अपराइट इस पूरे सिस्टम को एक कोन और हेमिसफेयर के पूरे सिस्टम को राइट सर्कुलर सिलेंडर के बीच में रख दिया गया प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर यह सर्लेंडर है इसके बीच में रखा गया फुल ऑफ वॉटर जो पानी से भरा हुआ है सच दैट इट टच इज दॉटम इस तरह से रखा गया कि ये जो सॉलिड था वो नीचे जाके बॉटम को टच कर रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर हमने ये बताना है कि पानी अब सिलेंडर में कितना बच गया इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर सिलेंडर का रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है एंड हाइट इज 180 एटी सेंटीमीटर देखो हाइट 180 एटी सेंटीमीटर है कोन की हाइट 120 दी हुई है अगर वो कोन की हाइट हमें ना भी देता और ये कह देता कि वो ऊपर तक मतलब कि ये बॉटम तक टच कर रहा है और ऊपर तक जा रहा है तो हम इसकी हाइट माइनस करके भी 120 हाइट निकाल सकते थे बट यहां पे उसने क्या दे दिया कि 120 हाइट है तो 60, हमें इसका पता है रेडियस का तो हम इसका वाटर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे सिलेंडर के वॉल्यूम में से हम इसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे इन दोनों चीजों का हेमिस्फीयर का और कोन का इन दोनों का वॉल्यूम जब माइनस हो जाएगा तो हमारे पास स्पेस बच जाएगी जो सिलेंडर पे खाली है और उस जगह पे पानी भरा हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर तो हम तीनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं पहले रेडियस ऑफ हेमिस्फियर हेमिसफियर का रेडियस कितना हो गया टू बाय थ्री सॉरी ये तो वॉल्यूम का फॉर्मला आ गया रेडियस ऑफ हेमिस्फियर इज सिक्सटी तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फियर अब हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फियर इज टू बाय थ्री पाई आर क्यूब टू अपॉन थ्री पाई आर कितना क्यूब सिक्सटी का क्यूब करेंगे हम तो सिक्स का क्यूब हो जाएगा टू वन सिक्स नहीं करते आ जाएगी राइट आप इसकी कटिंग भी कर सकते हो यहां से कटिंग हो जाएगी तो सिक्स थ्रीजा एटीन एंड सेवन थ्री झा ट्वेंटी वन और थ्री टू दिक्स तीन जीरो पीछे बच गई तो इसको मल्टीप्लाई कर दो सेवेंटी टू इंटू टू ये आ जाएगा आपके पास वन फोर्टी फोर तीन जीरो पीछे पाए सेंटीमीटर क्यूब तो ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आ गया उसके बाद हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेंगे तो रेडियस ऑफ कोन कितना है रेडियस ऑफ कोन ये सिक्सटी ही है हाइट ऑफ कोन हाइट ऑफ कोन वन ट्वेंटी है तो वॉल्यूम ऑफ कौन कितना हो जाएगा ये होता है वन बाय थ्री पाई आर स्केर एच विच इज इक्वल टू वन बाय थ्री पाई आर कितना है हमारे पास सिक्सटी सिक्सटी का स्केयर एच कितना है वन ट्वेंटी अब इसकी कटिंग कर दो ये आ गया फोर्टी राइट दिस इज इक्वल टू सिक्सटी का स्केयर हो गया थर्टी सिक्स हंड्रेड तो पाए थर्टी सिक्स हंड्रेड इन टू फोर्टी अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सिक्स फोर ट्वेंटी फोर फोर कैरी टू सिक्स फोर थ्री ट्वेल्व एंड टू वन फोर्टीन फोर तीन जीरो आ जाएगी पाई दोनों बिल्कुल बाई चांस सेम आ गए हमारे तो ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क आर कितना है हमारे पास सिक्सटी इसका भी सिक्स का सिक्सटी और हाइट कितनी है वन एटी तो पाई सिक्सटी का स्केयर हो जाएगा थर्टी सिक्स हंड्रेड इन टू वन एटी तो हम थर्टी सिक्स को एटीन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा यह सिक्स फोर्टी एट थ्री जीरो फाइव तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अब हमने पता क्या करना है कि कितना पानी बचा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट के लिए हम क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर सिलेंडर में से कौन और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो तीनों वैल्यूज हैं हमारे पास बस हमने वो वैल्यूज पुट करनी है तो इसमें क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में आ जाएगा सिक्स फोर एट ट्रिपल जीरो पाए माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन कितना आया था हमारे पास वन फोर फोर ट्रिपल जीरो पाए कितना आया? उसके बाद सिक्स फोर्टी एट में से वन फोर्टी फोर वन फोर्टी फोर माइनस कर दिया पाई की वैल्यू जब आप ट्वेंटी टू बाई सेवन पुट कर दोगे तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद और डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा वन वन थ्री वन पॉइंट फोर टू सेंटीमीटर क्यूब तो ये हमारा आंसर आ गया स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक इस डायग्राम में आप देख रहे हो ये स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसका सिलेंड्रिकल नेक है एट सेंटीमीटर लॉन्ग ये एट सेंटीमीटर लॉन्ग है और दो सेंटीमीटर का इसका डायमीटर है डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट इज एट पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इसका स्पेरिकल पार्ट का जो डायमीटर है वो एट पॉइंट फाइव है मतलब उसका रेडियस फोर पॉइंट टू फाइव हो जाएगा अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी थ्री फोर्टी फाइव थ्री फोर्टी फाइव सेंटीमीटर बच्चे ने इसमें पानी को मेजर करके बताया कि इसका वॉल्यूम है चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अब एज इन साइड मेजरमेंट एंड पाई थ्री पॉइंट तो हमने ये बताना है कि क्या वो बच्चा क्या वो लड़की ने सही बताया है या नहीं तो so, हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन सो वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वेसल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ फर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्केर एच और वॉल्यूम ऑफ स्फर होता है फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब। पाई को एज इट इज रखते हुए आर सिलेंडर के लिए आर है हमारे पास टोटल डायमीटर टू था तो ये वन हो गया और हाइट है एट प्लस फोर बाय थ्री पाई स्पेयर का है फोर पॉइंट टू फाइव क्यूब तो पाई को हम कॉमन ले सकते हैं वन का स्केयर वन हो जाएगा वन इंटू एट एट आ गया प्लस फोर बाय थ्री फोर ट्वेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड करके इसको क्यूब में वापस कन्वर्ट कर देंगे तो इसको कैंसिल करते हैं फाइव के टेबल पे भी हो जाएगा वैसे तो ये ट्वेंटी फाइव के टेबल पे भी कैंसिल हो जाएगा तो ट्वेंटी फाइव फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव सेवनटीन तो ये पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन पुट कर दो एट प्लस फोर बाय थ्री इन टू सेवनटीन बाय फोर इंटू सेवनटीन बाय फोर इंटू सेवनटीन बाय फोर ये तीन बार लिखना है क्यूब है फोर के साथ फोर कैंसिल हो गया ये कैंसिल नहीं होता तो सेवनटीन को आप तीन बार मल्टीप्लाई कर लेंगे 17 इंटू सेवनटीन इंटू सेवनटीन तीन बार मल्टीप्लाई करके आ जाएगा फोर नाइन वन थ्री अपॉन फोर फोर दिक्कस एट एट प्लस ट्वेंटी टू बाई सेवन फोर नाइन वन थ्री को आप डिवाइड कर दो फोर्टी एट से तो ये डिवाइड होके आ जाएगा ट्वेंटी टू बाय सेवन एज एट प्लस वन जीरो टू पॉइंट थ्री फाइव अच्छा हाँ उसने एक पाई की वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर लेने के लिए बोली थी तो हम ये वैल्यू नहीं लेते थ्री पॉइंट वन फोर ले लेंगे वैल्यू तो दिस इज थ्री पॉइंट वन फोर वन जीरो टू में आप एट ऐड कर दोगे वन वन जीरो पॉइंट थ्री फाइव आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल जाएगा थ्री फोर सिक्स पॉइंट फाइव वन सेंटीमीटर क्यूब तो हमारा वॉल्यूम आया थ्री फोर्टी सिक्स पॉइंट फाइव वन और एक्चुअल में उसने उस लड़की ने कितना बताया था थ्री फोर्टी फाइव तो हम लिखेंगे नो द चाइल्ड वाज नॉट करेक्ट तो बच्चों इस क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो गई तो नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो भी जल्दी अपलोड हो जाएगी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें सो दैट जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें थैंक यू सो मच